जानिए अकोला शहर की 10 बड़ी खबरें। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि 19 जुलाई को रात्रि 10 बजे शुरू हो रही है। इसका समापन 20 जुलाई को शाम 7:15 बजे हो रहा है। देव शनि एकादशी 29 जुलाई को है। आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में अकोला विठ्ठल मंदिर को रोशनियों से सजाया गया है और परिसर में विविध सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नियमों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। अकोला में पेंटर एसोसिएशन की हुई स्थापना। अकोला शहर के सभी चित्रकार पेंटर कलाकारों ने मिलकर पेंटर एसोसिएशन की स्थापना की और एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महंगाई के मौजूदा दौर में पेंटर की आय कैसे बढ़ाई जाए समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और नई कार्यकारिणी भी गठित की गई। इस समय बड़ी संख्या में पेंटर्स उपस्थित थे। दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल की ओर से बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई। यह मुहिम वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक जय पाटिल के मार्गदर्शन में तथा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों के साथ मिलकर 10 से 14 जुलाई के दरमियान चलाई गई, जिसमें 1255 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। इस समय खरीफ का मौसम शुरू होने से ग्रामीण जीवन यापन के लिए कई खेत मजदूर खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इस बीच रविवार को अचानक मौसम में बदलाव होकर बिजली गिरने के साथ जोरों से बारिश शुरू हो गई, जिससे किसान और खेत मजदूर घर पर वापस लौट रहे थे। इस बीच आपूति खुर्द निवासी आदित्य आपूतिकर पर बिजली गिरने से जगह पर ही मौत हो गई। रेल यात्री का सोना पार, चोरों की तलाश में जीआरपी की दो टीमें रवाना। ट्रेनों में चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर जीआरपी अलर्ट हो गई है। हाल ही में 11 व 14 जुलाई को लगातार दो ट्रेनें गीतांजलि एक्सप्रेस व भगत की कोठी में हुई चोरी की बड़ी घटना के बाद जीआरपी ने चोरों को दबोचने दो टास्क फोर्स टीम गठित की है। अकोट के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर लगाया गया पुलिस बूथ। अकोट में स्थित शिवाजी महाराज चौक पर दिन रात और हर मौसम में निरंतर अपनी सेवा देने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए यह बूथ लगाया गया। इससे पुलिस कर्मचारियों को राहत मिलेगी और खराब मौसम में भी हर पुलिस कर्मचारी अपना कार्य अच्छे से कर सकेंगे। मुंबई में हुई भारी वर्षा के कारण प्रशासन ने 9 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से 4 ट्रेनें अकोला से होते हुए जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: मुंबई जबलपुर गरीब रथ, लोकमान्य तिलक टर्मिनल हटिया स्पेशल, मुंबई नागपुर, मुंबई अदिलाबाद, मुंबई गोंदिया, मुंबई मनमाड़, मुंबई सिकंदराबाद, मुंबई अमरावती व मुंबई नांदेड़ राज्य रानी स्पेशल। महान स्थित काटेपूर्णा बांध के जल स्तर में रोज हो रही वृद्धि। रविवार को ग्रामीण इलाकों में हुई दमदार बारिश से बांध में 1 फीट पानी की वृद्धि होने से अब बांध का जल स्तर 39% हो गया है। 15 से 18 जून की अवधि में बांध के जल स्तर में 6 फीट पानी की वृद्धि होने की जानकारी सूत्रों ने दी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के लिए दिया अलर्ट। मौसम विभाग अनुसार गुजरात तट के पास कम दबाव का स्तर स्थिर है, इसीलिए विदर्भ सहित संपूर्ण राज्य में अतिवृष्टि होने की संभावना बताई गई है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक मध्य प्रदेश की सीमा के पास मॉनसून फिर से सक्रिय हो रहा है। जिले में किसान इस बात को लेकर परेशान है कि कीचड़ वाली सड़कों से अपनी उपज का परिवहन कैसे किया जाए। पृष्ठभूमि में इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि खेतों से जोड़ने वाली सड़क निर्माण का काम कब तक पूरा होगा। प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को इस कार्य के लिए निधि उपलब्ध करा दी गई है, किंतु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। दिव्य हिंदी आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। तो देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए दिव्य हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।